अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी की शू बूट बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने 4.5 mm का नीडल लिया हुआ है और 4 ply की ऊन ली हुई है। ये मैंने 10 की चेन बना ली है, 10 चेन कर लें। फिर हमने थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करना है 2 दफ़ा, ये 1 और ये 2। इसके बाद 6 में हमने 1 2 3 4 5 6 में हमने 1 1 डबल क्रोशिया करना है, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमने क्या करना है, जो लास्ट चेन है उसमें हमने 6 डबल क्रोशिया करना है, 6 1 2 3 4 5 और ये आखिरी 6। अब हम इसको टाइट कर लेंगे। अब इस साइड पे भी हमने 6 डबल क्रोशिया करना है, 1 1। ये हमने बना लिए, जो एंड में लास्ट जिसमें हमने 2 डबल क्रोशे किए थे उसमें हमने दोबारा से 2 डबल क्रोशे ही करने हैं। ये देखिए इस तरीके से 2 डबल क्रोशे हो गए। अब क्या करना है, 1 2, ये 1 2 3 थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा पहला तैयार हो गया। अब हमने दोबारा 3 चेन करना है और पहले स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे करने हैं, 2 डबल क्रोशे। फिर अगले में भी 2 डबल क्रोशे करने हमने। इसके बाद हमने क्या करना है कि 1 2 3 4 5 में हमने 1 1 डबल क्रोशिया करना है। सिक्स में हमने डबल क्रोशिया, उस साइड पे हमने 6 किए थे। अच्छा, अब ये जो हमने 6 बनाए थे इसमें हमने 2 2 दफा डबल क्रोशिया करना है इस तरीके से। इन सब में हमने डबल क्रोशिया करना है और फिर उसके बाद जब यहाँ से आएंगे तो 6 हमने 1 1 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे 6 स्टिचेस में 2 2 डबल क्रोशे करके फिर 6 हमने 1 1 सिंगल क्रोशे किए। आखिर में हमारे पास 2 चेन स्टिचेस रह गए जिसमें हमने 2 2 डबल क्रोशे करना है, 2 टाइम डबल क्रोशे। अब हमने 1 2 और ये थर्ड में हमने स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा न्यू बॉर्न बेबी सोल तैयार है। इसके बाद हमने क्या करना है कि 3 चेन करके 1 2 3 और हमने इस तरीके से बैक लूप में सारा बनाते हुए जाना है। सारा हमने इधर तक एंड तक बनाना है। देखिए ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है कि चेन 1 लेके यहाँ से हमने 10 टाइम तक हाफ डबल क्रोशे करना है हर स्टिच में। ये हो गया हमारा पहला डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6
सेवन एट नाइन एंड टेन। अब हम डिक्रीजिंग शुरू करेंगे डबल क्रोशे के, उसमें एक दफ़ा घुमाया, फिर घुमाया, फिर दूसरे स्टिच में से निकाल के, फिर दो निकाले, फिर तीन जब रह जाएंगे हमारे उसको हमने सबको कर दें, फिर एक दो, एक ये दूसरा स्टिच, फिर एक, फिर दो। अब इधर से हम गिनते हैं कि हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इधर तक हमारा आएगा। इसके बाद हमने वन वन स्टिच करना है इसमें, तो यहाँ तक हमने डिक्रीज करना है। निकाल देते हैं, हमें पता चल गया। अच्छा, अब क्या करना है कि आगे हमने हाफ डबल क्रोशे करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड लास्ट वन इज टेन, और ये इसके साथ हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब हमने दोबारा इधर से चेन वन करके एक एक चेन हमने टेन में करना है। ये देखिए, हमने दस का सिंगल क्रोशे करके हम इधर हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज किया। अब हम जो आगे तीन हैं उसमें हाफ डबल क्रोशे करेंगे सिंगल सिंगल एक एक दफा। ये देखिए, अब जो लास्ट वन है उसमें हम फिर डिक्रीज करेंगे इस तरीके से। अब सिंगल क्रोशे वापस, और ये दस। अब हम इसमें दोबारा से इसको स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमारा ये बन रहा है बूट। अब हमने क्या करना है, सिंगल क्रोशे लेके दोबारा से एक दो तीन चार। ये देखिए, हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग पूरी करके अब यहाँ से हम सिंगल क्रोशे करते हुए पूरा एंड तक जाएंगे। इसमें हम अब कोई ना डिक्रीज करेंगे और ना कोई इंक्रीज करेंगे, सीधा सीधा बस सिंगल क्रोशे करते हुए हमने एंड तक पहुँच जाना है। एक्सक्यूज मी। ये देखें, हमारा हो गया बैक एंड फ्रंट पोस्ट। अब हम कलर बदलेंगे, पहले इसको काट लेते हैं इस वाइट वाले को, क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया है। इसको हम कर देते हैं स्लिप स्टिच, और इधर से थोड़ा हम इसको टाइट कर लेते हैं। आप सी भी सकते हैं, इट्स अप टू यू। और टाइट इसलिए करना ज़रूरी है कि ये अक्सर लूज़ हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसकी वजह से बूट की शेप थोड़ी ख़राब हो जाती है। अच्छा, क्या करना था हमने, अब हम क्या करेंगे कि इधर से हम लेंगे पिंक कलर। ठीक है, अब हम इसको चेन टू करेंगे, वन एंड टू। अब हम स्टार स्टिच बना रहे हैं। अब क्या करना है हमने कि सेकंड में हम एक लूप इसको लेंगे इस तरह,
फिर हम उसी में जिसमें हमने इसको बनाया था उसमें से ऐसे निकालेंगे एक, फिर आगे स्टिच से इस तरह निकालेंगे। ये बन गए चार। अब क्या करना है कि हमने निकालना है इससे, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास हो गए हैं। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई। ये हमने दो चेन लिए, पहले चेन में हमने एक लिया इस तरीके से, फिर उसी में से हमने लिया, फिर अगले वाले में से हमने लिया, फिर इसके बाद और फिर इसके बाद, ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 6 में से इकट्ठे हमने सबको निकाल देना है। उसके बाद हमने एक चेन करना है। इसके बाद हमने जो चेन में थोड़ी एक आंख सी बन गई है इसी में हमने इंसर्ट करके ऊन को खींच के फिर इस तरह, फिर ये जो पोस्ट बना है जो ये उसका, इसमें हमने डाल के इस तरह निकालना है। फिर जिसमें हमने जिस स्टिच में से हमने निकाला था इस पोस्ट को उसमें से एक निकालना है, चार, फिर आगे एक निकालना है, पाँच, और फिर आगे एक निकालना है, छः। अब इन सब में से हमने इस तरह निकाल लेना है। फिर उसके बाद हम एक वो करें चेन करेंगे, फिर उसके बाद उसी आई में निकाला, फिर पोस्ट में से निकाला इस तरीके, फिर जिसमें हमने किया था उसी में से निकाला, फिर अगले दो में से निकाले एक और ये दो, तो ये क्या बन गया हमारा, छः का वो, और फिर इस तरह, इस तरह आपने सारा करते हुए एंड तक आ जाना है। ये देखें हम एंड पे आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, चेन करके फिर उसी तरह ऐसे, फिर ऐसे, फिर इसमें से, फिर लास्ट टू स्टिचेस में से निकालना है। छः बन गए, छः में से पूरा निकाला। अब जो यहाँ पर है उसको हमने स्लिप स्टिच कर देना है। ये देखिए ये हमारा बन गया स्टार, ठीक है। अब क्या करना है कि हमने चेन वन करके इसको इस तरह घुमा देना है, ठीक है। अब हमने इधर एक चेन करना है, फिर अब इधर इस आई में, ये जो आई सा बना हुआ इसमें हमने दो डबल क्रोशे करने हैं, दो डबल क्रोशे हर आई में हमने दो डबल क्रोशे करते हुए जाना है एंड तक। ये इसकी आई, ये देखें ये इसकी आई, ये एक आंख सी बनी हुई है उसमें आपने, ये देखें ये दो हाफ डबल क्रोशे करना है, हाफ डबल क्रोशे, ये आंख हाफ डबल क्रोशे करते हुए एंड तक आपने आना है। ये देखें सारा मैं कर रही हूँ, जो आंख सी बनी हुई है उसमें आपने हाफ डबल क्रोशे करना है और ये इसको कहते हैं स्टार स्टिच। ये देखिए हमारा बन गया स्टार। अब इसको हमने इस तरह कर देना है, इसको हमने इस तरीके से कर देना है। ये देखिए हमारा स्टार जो स्टिच है वो सामने आ रहा है। तो ये हमारा प्यारा सा न्यू बॉर्न बेबी का शू बन गया। ये देखें ये न्यू बॉर्न बेबी का शू बन गया है प्यारा सा। ये देखें, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ख्याल रखिए। आइंदा उसमें मिलेंगे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।